आप देख रहे हैं केवल सच। भारतीय सेना अमर है, अमर है, अमर है। भारतीय सेना अमर है, अमर है, अमर है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे पुलवामा अटैक ना भूलेंगे, बदला हम ले लेंगे। पुलवामा अटैक ना भूलेंगे, बदला हम ले लेंगे। आतंकवाद तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आतंकवाद तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलवामा अटैक न भूलेंगे, बदला हम ले लेंगे। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय सेना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? ये 14 फरवरी 2019 के दिन हमारे देश के जो सीआरपी के जवान जम्मू कश्मीर से पुलवामा की ओर जा रही थी, जो कि वहाँ पे आतंकवादी की सूचना की मिलते ही हमारे सरकार उन्हें सूचित किया था कि वहाँ पे अटैक ना हो, हमारे सेना को भेजा जा रहा था। उसी बीच दमगर्दी और वहाँ के आतंकवाद उसे छोटा सा फंड लेकर के हमारे सेना को जो था अटैक किया, उसमें हमारे करीब 45 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन को मैं भूलना नहीं चाहता हूं और खुले आम बता देना चाहता हूं। आतंकवाद तुम होश में आओ, नहीं तो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी सजा मिलेगी जो उसे जन्म जन्म और आतंकवाद नीति को भूलना पड़ेगा, नहीं तो उसके आतंक को खत्म कर देगी हमारी भारत सरकार। और ये पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 का दिन काला दिवस के रूप में मैं मना रहा हूँ। जब तक आतंकवाद का खत्म नहीं करूँगा, तब तक हमारे भारतीय सेना और भारत सरकार पीछे कभी हदम तक नहीं हटेगी। और वो आतंकवाद को मैं कह देना चाहता हूँ, तुम आतंकवाद होश में आ जाओ, अपनी नीति को सुधारो, नहीं तो तुम्हारे दोगले नीति को खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। नाम और परिचय? मैं कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार प्रवीण नगर इकाई से हूँ और ये भारतीय फाउंडेशन के नेतृत्व में आज श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, जिसके नेतृत्वकर्ता और नेतृत्व के अध्यक्ष संजय आनंद जी हैं हमारे। ये क्या हो रहा है सर, आज क्यों आप लोग यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं जितने सूदी जन हमारे भारतवर्ष के हैं, आज इस मौके पर, जबकि हमारा देश 2019 आज ही के दिन 14 फरवरी को हमारे 44 जवान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे, उनकी आज तीसरी वर्षी है, और इस मौके पर हम यह चाहेंगे कि उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। और इसी के लिए हमने आज के तारीख में संजीव कैंडल मार्च निकाला है और लोगों में राष्ट्र की भावना जो पलबती है, पनपती है, उसको आक्रोश के रूप में या यूं कहें कि अपने गम के रूप में किसी भी रूप में प्रकट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, जिसके माध्यम से आज हम यह समझते हैं कि हमारे जो वीर जवान मारे गए हैं इस आतंकवादी घटना में, और उनको उनके प्रति यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही उद्देश्य था आज का हमारा इस कार्यक्रम का, और इसी को लेकर हम चले। आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम संजय आनंद, मैं भारतीय फाउंडेशन का निदेशक हूँ और लगातार इस तरह की समाज सेवा के कार्यों में बना रहता हूँ। एनसीसी के भी कुछ बच्चे हैं? एनसीसी के भी हैं, हमारे भारतीय फाउंडेशन के वॉलेंटियर्स जो हैं वो सभी विधा से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ कला से हैं, कुछ एनसीसी से हैं, सारे स्टूडेंट्स भी हैं, हर मकामे के लोग हैं, जिनकी आवश्यकता जहाँ पे होती है वो लोग हमारे शरीक होते हैं और हम इस तरह से अपने कार्यक्रम को आगे। ये आपका जो संगठन है क्या कहाँ पे एक्टिव है? बरौनी में? ये बरौनी नहीं, पूरे बेगूसराय जिला में है। अभी बहरहाल हमारा कार्य क्षेत्र जो है तो तेगरा प्रखंड पूरा है और इसमें हमारा कार्य चल रहा है। और ये कोविड महामारी जो हुई थी 2020 में, तो 24 मार्च को हमारी ये संस्था स्थापित हुई थी और उसी के माध्यम से हम लोग ये लगातार सेवा, बीच में जो प्रवासी मजदूर यहाँ से पैदल पैदल जाया करते थे उनके लिए कल्याण भोजन की व्यवस्था, इसमें जो बरौनी सर्कुलेटिंग एरिया में जितने भी दिव्यांग थे, भिक्षुक थे, उन लोगों के लिए भी कल्याण भोजन की सुविधा दोनों टाइम। इसके अलावा बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाना, इसके अलावा लोगों को जागरूक करवाना, मास्क बांटना, इस तरह के कई एक काम हैं जो हम लगातार करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मेजर काम मेरे समझ से, जब लोगों के बीच भ्रांतियाँ थी वैक्सीन के प्रति, तो लोगों को हमने जागरूक करा के अब वैक्सीनेशन सेंटर ले जाके फिर खुद से शिविर लगा के अभी तक कुल 60,000 से अधिक डोज हम लोगों ने लोगों को दिलवाई।
और ये महत्वपूर्ण कार्य हमने इस समाज के भरोही नगर परिषद क्षेत्र के बिहार के या यूँ कहें कि सरकार के या राष्ट्र के हित में काम किया। आज वैलेंटाइन डे, कुछ लोग वैलेंटाइन डे के रूप में भी आज का दिन मनाते हैं और आप लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। मैं ये भारतीय संविधान जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है और अपने को अभिव्यक्त करने का सबको आज़ादी है, तो कुछ लोग युवा लोग जो वैलेंटाइन मना के अपनी युवावस्था का आनंद ले रहे हैं तो उनसे मेरा कोई गुरेज परहेज नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि उनको भी याद आएगा कि देश क्या होती है, मर्टायर क्या होते हैं और शहादत क्या होती है। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहिए? पाकिस्तान को संदेश ये देना चाहिए कि अमन चैन से रहो, अपने हद में रहो, अगर हद से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे दोनों आंख निकाल के गोटी खेलेंगे। ये हिंदुस्तानियों के तरफ से चैलेंज है पाकिस्तान को। भारत माता की जय।